वहीं हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद को टीका लगवाया था। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते कोहराम में कोई न कोई कोरोना की चपेट में आ रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि अनिल विज ने कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद को टीका लगवाया था और अब उनका कोरोना संक्रमित होना हर किसी को हैरान कर रहा है। बता दें, इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं। मैं सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में भर्ती हूं। जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वो कोरोना की जांच करवाएं। गौरतलब है कि कोवैक्सीन के तीसरे स्टेज के ट्रायल के वक्त 20 नवंबर को अनिल विज को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए थे। राज्य में कोरोना वायरस महामारी के बचाव के लिए भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की दवा कोवैक्सीन के तीसरे स्टेज का ट्रायल शुरू किया गया था। बता दें कि वैक्सीन के पहले और दूसरे स्टेज का परीक्षण और विश्लेषण सफल रहा था और पिछले महीने की 20 तारीख से तीसरे स्टेज का ट्रायल शुरू किया गया है। वही पहले और दूसरे स्टेज के ह्यूमन ट्रायल में करीब 1000 वॉलंटियर्स को यह वैक्सीन दी गई थी। इस वैक्सीन के तीसरे स्टेज का परीक्षण भारत ने 25 केंद्रों में 26,000 लोगों के साथ किया जा रहा है। वही बता दें, ये भारत में कोविड-19 वैक्सीन के लिए आयोजित होने वाला सबसे बड़ा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है। वही परीक्षण के दौरान वॉलंटियर्स को लगभग 28 दिनों के भीतर 2 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। परीक्षण डबल ब्लाइंड कर दिया गया है जिससे कि इन्वेस्टिगेटर, प्रतिभागी और कंपनी को यह पता नहीं होगा कि किस समूह को सौंपा गया है। इसमें वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन या प्लेसिबो दिया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार है। वैक्सीन बनाने की दौड़ में भारत भी शामिल है। भारत की अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर देशवासियों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। लेकिन यहाँ अनिल विज को कोवैक्सीन का टीका लगने के बाद उनका कोरोना संक्रमित पाना बड़े सवाल पैदा करता है। जहाँ खुद स्वास्थ्य मंत्री कोवैक्सीन का टीका लगाने के बाद कोरोना की चपेट में आ गए हैं, ऐसे में और लोग खुद को टीका लगाने के बाद कैसे सुरक्षित कर पाएंगे। अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि कोवैक्सीन क्या फेल हो गई है, क्योंकि अनिल विज के कोरोना संक्रमित होने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज़।